नहीं, आप कौन हो, आप अपने वाक्य से प्रकाश करो, आप कौन हो आप स्वयं बताओगे कि मैं क्या हूँ, उसको जानना आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका शब्द बताया कि आप कौन हो। जब आप सज्जन हो तो आप सज्जनता से पेश आओगे, है कि नहीं? जिस प्रकार से आपका स्वभाव गुण है शब्द से बाहर आता है, प्रकाश हो जाएगा। आप कितने भी छुपाना चाहो वो छुप नहीं सके, है कि नहीं? इसलिए जो है, इसलिए शब्द से ही प्रकाश होता है। जो आपका जब शब्द निकलेगा उनसे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई एक कितना विद्वान है, सज्जन है, ज्ञानी है, इसका आवभाव क्या है, है कि नहीं, ये मालूम पड़ जाएगा। वचन करते जी, बीच में भजन रहता, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप दोनों का इतना अच्छा जोड़ी है, बहुत आनंद आ रहा था, पर खाली थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था मराठी, क्योंकि मराठी भाषा समझ में उतना हम लोग कम जानते हैं, इसलिए समझ में नहीं। बाकी भजन जो समझ में आ रहा था, जो आप गा रहे थे, है कि नहीं? पहले तो गुरुदेव, खाली गुरुदेव में गुरु महाराज, गुरु महाराज इतना सुंदर गाया कि मेरा मन मस्त हो गया, है कि नहीं? सभी का मन, जब आपने जो जो भी शब्द बोल रहे थे, महाराज जी हो या आप हो, आपके जितने कलाकार लोग हैं, है कि नहीं जी, बहुत सुंदर बोल रहे थे। इसलिए जो है सारा जनता जनार्दन, जनता ही जनार्दन है, ये जनता भगवान है, भगवानमय दुनिया है, संसार क्या भगवानमय है, ईश्वरमय, क्योंकि वासुदेव कुटुम्बकम, भगवान बोलता है मैं पूरा वर्ल्ड हूँ, मनुष्य में मैं मन हूँ, मनुष्य में मैं आत्मा हूँ, है कि नहीं? का आत्मा मैं हूँ, भगवान तो सर्वव्यापी है, सब जगह है और नहीं है, कि नहीं? कहीं नहीं है वो, और सब जगह में वही है, उसका सिवा कुछ नहीं है। दोनों का भाव अलग अलग है, एक निराकार का भाव है, एक साकार का भाव है, क्योंकि हम लोग को भावना का सागर जो है अनंत भावना में अनंत भावित है, क्योंकि हम लोग का जो सत्संग है वो हर समय ज्ञान का संगत में नहीं है। जो संग मिला है, कोई हमको नशा में, हाँ, कोई दारू पिलाने जा रहा है, कोई नाना प्रकार का जो नशा है उस दर चला जा रहा है, नहीं तो जो है खाने पीने में चला रहा है, नहीं तो धन दौलत जमा करने में चला जा रहा है, बहुत प्रकार का आपका नशा है, वो सबको नशों को त्याग करके तुमको ईश्वर में नशा लगाना पड़ेगा। नशा ईश्वर का होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब जगह में है और आपके साथ में है। भगवान बोला ना, इसलिए गीता में लास्ट अध्याय में बोल रहा है भगवान, गीता में वही बोल रहा है, ईश्वर है सर्वभूतानां, कृतस्य अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मेण सर्वभूतानि यंत्रणानि मायाया। ये जो यंत्र है, ये रूढ़ जो हम लोग का जो शरीर है, ये माया रूपी शरीर है, ठीक है? एक यंत्र है, ये भी एक यंत्र है, वो यंत्र अलग प्रकार का है, लोहा लकड़ी से बना हुआ है ना, ये जो अलग प्रकार का है, ये मांस हड्डी से बना हुआ है। जो भी चीज़ यहाँ उत्पत्ति होता है उसका कुछ दिन स्थिति, उसके बाद प्रलय है, संसार का नियम उत्पत्ति स्थिति प्रलय है, हर दिन का यही काम होता है। 12 महीना नए नए लोग आ रहे हैं, पुराने लोग जा रहे हैं, यहाँ कोई स्थिर नहीं है, ये संसार का नियम परिवर्तन है, हर दिन हर पल हर सेकंड परिवर्तन। सकल चांस दे लो तो बाबा, हां सगळा छोटी झाली बाबा, रोचन करायला मौका द्यायला पाहिजे, 10 मिनिट द्यायला पाहिजे, 10 मिनिट बोलायला द्यायला पाहिजे, थोडा अक्षर जाता ना, थोडा सा मीटिंग सत्संग के साथ, हां ओपनिंग, हां ना एक घड़ी आधी घड़ी यादव की आज तुलसी चर्चा लाने की तो कटाई खोली है, जस्ट वाटते हैं, एक घड़ी भी मिलता है तो बहुत भाई, भाग भोग की बात है ना, ये संसार में क्या है ना, बट एक जैसा कोई भी फिल्म बनता है हकीकत में, हम देखते जाके तो पहले रील बनता है, उसका रिहर्सल होकर बनता है, इसी प्रकार का हम लोग का एक जीवन का रील बना हुआ है, जो बना हुआ है वही होगा। अब जो बना रहे हो आप, दो प्रकार का है, एक बना के जा रहा है हम लोग रील, एक बना रहा है, एक बना हुआ है, एक क्या भविष्य है, एक भूत है, एक वर्तमान है। भूत मैंने जो चला गया, भविष्य आने वाला है, वर्तमान में हमने स्थित है, अब भविष्य को हमको बनाना है, हमारा भविष्य को हमको बनाना है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमको कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक संवारा, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी,
नर्तन पाय बिसाय म्हणते ही पलटी सुद्धा ते सठ दिसले. एक बडे भाग माणूस तर पाय दुर्लभ शरीर को पाय आम क्या पता मिले ना मिले आगे, क्योंकि हर दिन हर पल सके परिवर्तन है. हम लोग जिस दिन से पैदा हो उस दिन से मरना चालू कर दिए. देखो हम लोग का एक दिन का कैसा रूप था, 10 दिन का कैसा रूप था, साल भर का कैसा रूप था, 10 साल का कैसा रूप था, 20 साल का कैसा रूप था, आज 50 साल का कैसा रूप. रूप परिवर्तन, जो नहीं था वो नहीं रहेगा, जो था वही रहेगा. क्या था? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ना परम ब्रह्म जगत, जा मन जन्म गत मृत्यु है. किसका? ये शरीर का. ये शरीर का जन्म हुआ है, ये शरीर का मृत्यु होगा. ब्रह्म सत्य जगत में है. कैसा है? जैसे देखो हम सारे इंसान हैं, हिंदू मुस्लिम हो जाओ कोई भी जाति वर्ग हो, जीवात्मा उसका एक ही प्राणवायु है. हम जो हम लोग 5 वायु में हम लोग चलते हैं, इसलिए प्राणवायु, अपान वायु, उदान वायु, ज्ञान वायु, समान वायु, इसके अंतर्गत में हमारा शरीर हर परिवर्तन होते रहता है. तो उस वायु के अंतर्गत में सभी के अंदर में है वो, कोई जाति का बात नहीं है, ना स्त्री ना पुरुष. जिस प्रकार से कोई भी गाड़ी जाएगा तो डीजल वाला तो डीजल ही गाड़ी लेंगे, पेट्रोल वाला पेट्रोल लेंगे. तो उसमें कोई जाति का गाड़ी, कोई हिंदू लिखा है, मुसलमान है, कोई भी गाड़ी लेकर सकता है. दाल भात रोटी सब्जी ऐसा कोई जाति नहीं है. दाल भात रोटी सब्जी आत्मा के लिए जैसा पेट्रोल है ऐसा हम लोग का गाड़ी का डीजल है. दाल भात रोटी सब्जी हम लोग का गाड़ी का डीजल है. ये आँखी जो है ना बेटा, ये लाइट है. ये आँख का लाइट में आपका गाड़ी 11 नंबर चलेंगे, आगे आगे जाएंगे. इस गाड़ी को आप कार में लोड कर दो, इस गाड़ी को प्लेन में लोड कर दो, इस गाड़ी को किस में भी लोड कर दो. पहले आपका शरीर, जान है तो जहान है, जान से गया दुनिया से गया, है कि नहीं? आप जहाँ दुनिया वहाँ, आप जहाँ खड़े हो आपका संसार यही है. यहाँ से गया वहाँ से गया, यहाँ आपका प्राण चला जाएगा तो वहाँ वाला बोलेगा भाई उसको समझाने ले चलो, यहाँ लाने से क्या मतलब है कि नहीं? इसलिए हर समय चेतन रहो. जगा है सो जगाएगा, जो खाया है वो खिलाएगा, है कि नहीं? जो जान, जो भाई पहले खाया है वो खिला सकता है, या खाने के लिए अपने पास कुछ है तो अपना खाएगा तो दूसरा को खिला सकता है कि नहीं? जो जगह हो जगाएगा. आप जग गए, मुझे जगाओगे, मैं जगाऊंगा तो आपको जगाऊंगा. हम सब सोए हुए हैं. किस में सोए? विषय भोग में, है कि नहीं? विषय भोग में सोए हुए हैं. तो हमको जगाने वाला चाहिए. जो जगेगा, जनार्दन स्वामी महाराज जगाए थे, आज हम लोग जगे, उनका दया से, है कि नहीं? कोई महापुरुष आते हैं ऐसे, पहले से ऋषि मुनि का संसार है. क्योंकि ज्ञानी भगवान बोलता है ज्ञानी हूँ मैं, इसलिए भगवान सारा चीज को बोला है. ना ही ज्ञान है ना सदृशम पवित्रम विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेनाथ पर निविंद. जगत में हमको ज्ञान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं बताया, और ज्ञानी मैं हूँ भगवान ही बोला है कि मैं ही सब कुछ, मैं सब कुछ अर्पण कर दूँ. हे प्रभु सब कुछ आपका है.